मेरे साईं सवरिया आजा जा जा मेरे साईं सवरिया आजा मेरा गुरु भी तू मेरा ज्ञान भी तू मेरी भक्ति भी तू भगवान भी तू मेरा गुरु भी तू मेरा ज्ञान भी तू मेरी भक्ति भी तू भगवान भी तू कण कण में जिसे महसूस करूं वो करुणा कृपा निधान भी तू मेरा गुरु भी तू मेरा ज्ञान भी तू मेरी भक्ति भी तू भगवान भी तू भगवान तू जिसका साथ है नारायण साईं जी के वकील कल्पेश भाई देसाई। सर आज 4 साल हो गए नारायण साईं को जेल के अंदर, तो उनके भक्त लोग चाह रहे हैं कि कब नारायण साईं जी बाहर आएंगे, इसके बारे में क्या कहोगे? नारायण साईं के सामने सूरत की कोर्ट में 2 केस चल रहे हैं, जिसमें जो उनका जो फर्स्ट केस था वो बलात्कार का गुनाह का केस था, फिर बाद में उनकी कस्टडी के दरमियान उनके सामने जो कथित लाच का भी केस बना हुआ है। अभी जो केस की जो पोजीशन है, इसमें जो बलात्कार के केस में जो फरियाद पक्ष का एविडेंस समाप्त हो गया है, आरोपी का जो फर्दर स्टेटमेंट की प्रक्रिया वो भी समाप्त हो गई है, इसलिए जो बलात्कार का केस की अभी जो प्रोसीडिंग है वो एंडिंग की तरफ आ रही है। और दूसरा जो लाच काट का जो केस है, इसमें भी सारी गवाह महत्तम गवाह की जुबानी हो गई है, और स्वाभाविक तौर से अभी उनके 3 साल से ज़्यादा से साल की इंसाफी कार्रवाई है, तो हम भी ऐसी अपेक्षा रख रहे हैं कि जितना हो सके उतना जल्दी उनके सामने की इंसाफी कार्रवाई ख़त्म है, और उनके जो भक्त लोग हैं, उनके जो अनुयायी लोग हैं, उनकी भी फीलिंग ऐसी है कि नारायण साईं के सामने के खिलाफ की जो इंसाफी कार्रवाई है वो जल्द जल्द हो सके ख़त्म है और नारायण साईं निर्दोष होकर बाहर निकले, ऐसी उनकी भक्त की लागणी है। सर आज हिंदूवादी संगठन बोल रहे हैं कि नारायण साईं जी 4 साल से जेल के अंदर बंद है, तो उसमें भी पॉलिटिक्स मतलब पावर काम कर रहा है कि उनको बेल भी नहीं मिल रही, उसके बारे में क्या कहोगे? जहाँ तक जो लीगल पोजीशन की बात है, लोग अपनी तरफ से बात करते हैं, लेकिन जहाँ तक के कायदा की जो बाबत है, जो लीगल पोजीशन के, और मैं वकील के तौर पर ऐसा बोलता हूँ कि उनके सामने के जो दोनों केस है, इसमें दोनों केस की प्रोसीडिंग चल रही है, और जहाँ तक जो बेल का जो सवाल है, वो बेल के सवाल में बेल ग्रांट करने और रिजेक्ट करने में उसमें कई सारे फैक्टर और कई सारे मुद्दे फैक्ट्स पे और लीगल जो भी एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है वो तय कर हो जाते हैं, और तो देख के नामदा कोर्ट उनका डिसीजन देती है। सर उनके भक्त लोग को आप क्या आश्वासन देना चाहोगे, कितना समय लगेगा और एक केस पूरा होने में, और क्या आप नारायण साईं जी को निर्दोष बरी कर पाओगे क्या? सर अभी तक तो जहाँ तक का जो दोनों केस की जो प्रोसीडिंग चल रही है, तो हमको विश्वास है कि हम कायदा के अनुशासन में मानने वाले लोग हैं, और हमको ऐसा उम्मीद है और विश्वास है कि हमने जहाँ तक पे अपनी तौर से उनके डिफेंस में कई सारे मुद्दे खड़ा किए हैं, और लीगल पोजीशन पे मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि नारायण साईं वो दोनों केस में उनको जो भी न्याय मिले।